फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के कोचिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे थे क्लास ट्वेल्थ की मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस, संबंध एवं फलन। फ्रेंड्स, पिछले वीडियोस में हमने संबंध एवं फलन के बारे में कुछ डिस्कस किया था। तो पिछले वीडियोस में हमने स्वतुल्य और सममित संबंध के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम तीसरे नंबर का जो हमारा संबंध है, संक्रामक संबंध, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देख लेते हैं आज हम संक्रामक संबंध क्या होता है। तो संक्रामक संबंध की जो डिफिनेशन होती है वो होती है कि यदि ए एक परिमित समुच्चय है और आर संबंध है तो परिमित समुच्चय क्या होता है। तो मैंने आपको परिमित समुच्चय पिछले वीडियोज़ में समझाया है, फिर भी हम यहाँ पर थोड़ा सा परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय के बारे में समझ लेते हैं। अगर आपने एक बार परिमित समुच्चय या अपरिमित समुच्चय को समझ लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो 1, 2, 3 आप देख पा रहे हैं ऊपर वाला, ये क्या है, परिमित समुच्चय है, और जो नीचे है वो क्या है, अपरिमित समुच्चय है। परिमित मतलब क्लोज जो होता है, अपरिमित मतलब जो डॉट डॉट करके चलता जाए, उसको कहते हैं अपरिमित। चलिए अब हम अपना डिस्कस करते हैं फॉर्मूला क्या होता है संक्रामक का। तो ये होता है a, b बिलोंग टू r और b, c बिलोंग टू r एंड a, c बिलोंग टू r, जहाँ a, b, c क्या हैं, वो अवयव हैं a के, इसलिए लिखते हैं a, b, c बिलोंग टू a। बिलोंग टू a का मतलब हुआ कि a, b, c जो हैं वो a के क्या हैं, अवयव हैं। a क्या है, समुच्चय है, कई संख्याओं का समुच्चय। चलिए अब हम एक एग्जांपल लेकर इसको समझाते हैं। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल फर्स्ट हो गया हमारा, जैसे एग्जांपल ले लें a = 1, 2, 1, 2, 3 और फिर रिलेशन ले लेते हैं, यानी कि संबंध हम ले लेते हैं, संबंध को मंझले ब्रैकेट में और समुच्चय को भी मंझले ब्रैकेट में। हमारा ये हो जाएगा 1, 1 एंड 2, 2 ले लेते हैं और 1, 2 और 1, 3 और इसको क्लोज कर देते हैं। अब चलिए हम चेक कर लेते हैं कि ये जो हमारा समुच्चय है और ये जो रिलेशन है, क्या रिलेशन इस समुच्चय में संक्रामक है, हम ये चेक करेंगे। तो इसके लिए हमें याद करना होगा कि सममित में हम कहाँ से चलते थे, तो संबंध से चलते थे, ना कि समुच्चय से। स्वतुल्य में समुच्चय से चला जाता है, तो हम संबंध से चलेंगे इसमें भी, क्योंकि सममित और संक्रामक एक ही जैसा होता है। तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, संबंध से उठाएंगे पहला वाला युग्म, जो कि है a, b, यानी कि 1, 1। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि a, b से हम चलते हैं और जो लास्ट वाला a, c है वो आना चाहिए। ठीक है, कहाँ से चलेंगे, a, b से चलेंगे और आना क्या चाहिए, a, c वाला आना चाहिए। चलिए हम पहला वाला ले लेते हैं जो कि है 1, 1, 1, 1 बिलोंग टू r और इसके बाद में देखो कि यहाँ पर क्या है, लास्ट में b है और यहाँ शुरुआत में b है, यानी यहाँ b का काम 1 कर रहा है तो इसके पहले में 1 आया है। ठीक है, और c का काम कौन करेगा, तो हम जाएंगे रिलेशन में और देखेंगे कि 1 से शुरू होने वाले कितने युग्म मिल रहे हैं। तो ध्यान से देखो, रिलेशन में 3 युग्म हैं जो कि 1, जिनकी शुरुआत 1 से हुई है। एक तो 1, 1 ही हो जाएगा, दूसरा 1, 2 हो जाएगा, तीसरा 1, 3 हो जाएगा। इनको हम बारी बारी से लिखेंगे। तो सबसे पहले 1, 1 लिख लेते हैं जो कि आर में बिलोंग करेगा, तो लिखेंगे 1, 1, ये वाला नोट कर लेंगे हम 1, 1 को यहाँ पर। ठीक है, जो कि इससे मैच है। बी से कुल मिला के बी को देखा जाता है कि बी की शुरुआत किस में हो रही है, उसको लिखा जाता है, जितनी बार मिलेगा उतनी बार लिखा जाता है। तो 1, 1 हो गया, ये बिलोंग टू आर, यानी कि आर में ये भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बिलोंग टू आर। ठीक है, इसके बाद में अप्लाइज दैट, और अप्लाई दैट के बाद में हम देखते हैं कि वहाँ सूत्र में a, c है, a का काम पहला वाला 1 करेगा और c का काम आखिरी वाला 1 करेगा, बिलोंग टू r। अब वो जहाँ वाला मैटर, जहाँ 1 क्या है,
समुच्चय है, सब जगह वन ही आ रहा तो वन लिखेंगे, वन है अवयव के समुच्चय का ए का, ठीक है, वन क्या है ए का अवयव है। चलिए अब हम अगला लिखते हैं, तो उसके लिए लेना यही होगा वन का मा वन ही, ये बार बार यही लिखा जाएगा क्योंकि वन के वन वालों की हम बात कर रहे हैं। अब बी का काम वन कर रहा है और वन से शुरू होने वाला हम देखेंगे युग्म कौन सा है, तो वन से शुरू होने वाला वन का मा वन था वो तो लिख लिया, अब वन का मा टू लिखेंगे, ठीक है, इसके बाद वन का मा थ्री लिखेंगे, इसी प्रकार तो वन का मा टू बिलोंग टू आर, ठीक है, बिलोंग टू आर, वन का मा टू जो है वो भी किसमें बिलोंग करेगा, ये भी आर में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं कि वन कॉमा टू को लिख लेते हैं यहाँ पे, वन कॉमा टू बिलोंग टू आर, और इसके बाद में अप्लाइज दैट, फिर देखेंगे कि ए और सी क्या मिलेगा, तो ए का काम वन कर रहा है, सी का काम दो कर रहा है, तो यानी यहाँ से आ जाएगा वन कॉमा टू बिलोंग टू आर। इसके बाद में वही जहाँ वाला मैटर, ठीक है, जहाँ वन और टू क्या होंगे, ये हमारे अवयव हैं किसके, ए के, तो लिखेंगे वो जहाँ वन कॉमा टू बिलोंग टू ए। अब ये दो हमारे लिख गए जिनकी शुरुआत वन से हुई थी, अभी वन कॉमा थ्री हमारा बाकी है, तो फिर से लिखेंगे वन कॉमा वन बिलोंग टू आर और वन कॉमा थ्री इस बार लेंगे, क्योंकि वन कॉमा टू तो हम लिख चुके हैं ना, वन कॉमा थ्री अप्लाइज दैट वन कॉमा थ्री बिलोंग टू आर, ठीक है, जहाँ वन थ्री क्या है, ये अवयव है ए के, तो वन और वन कॉमा थ्री बिलोंग टू ए। इतना होने के बाद में अब हमारे वन वाले तीनों लिख गए हैं, अब हम देखते हैं क्या मिलेगा हमको, टू कॉमा टू ले लेते हैं, टू कॉमा टू को लेंगे, टू कॉमा टू बिलोंग टू आर, और अब ये पलटो किसी भी तरह को वो टू कॉमा टू ही रहेगा, तो टू से शुरू होने वाला उसमें और कोई दिख भी नहीं रहा है, लेकिन टू कॉमा टू दिख रहा है तो टू कॉमा टू ही लिख लेंगे, टू कॉमा टू बिलोंग टू आर, अप्लाई दैट, फिर से वही मिलेगा, तो टू कॉमा टू बिलोंग टू आर, और जहाँ टू क्या है, अवयव है किसका, ए का, टू क्या है, ए का अवयव है। इसको लिखने के बाद में एलिमेंट है जो अवयव है वो क्या है, एलिमेंट है किसका, समुच्चय ए का, सबसेट, सबसेट ए का जो है वो क्या है, एलिमेंट है। चलिए अब हम टू कॉमा टू को लेकर आगे देखते हैं क्या कुछ मिलेगा हमको, तो आगे देखें इस बी का काम कौन कर रहा है, दो कर रहा है, दो से शुरू होने वाला दो कॉमा दो था वो तो हमने लिख ही लिया, ठीक है, इसके अलावा रिलेशन में दो से शुरू होने वाला कोई और पद नहीं है, देख लीजिए दो कॉमा दो था वो हम पीछे लिख चुके हैं, अब दोबारा नहीं लिखेंगे, और कोई दो से शुरू होने वाला इसमें नहीं दिख रहा है, तो इस तरीके से ये वाला बंदा क्या होगा, साइलेंट हो जाएगा, ये आगे जाएगा ही नहीं, और जो आगे नहीं जाएगा तो वो नॉट बिलोंग टू कराने के लिए भी जिम्मेदार नहीं होगा, मतलब वो साइलेंट हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं। इसके बाद में अगले वाले पर जाएंगे तो वन कॉमा थ्री मिलता है हमको, और वन कॉमा थ्री की बात करें तो वन कॉमा थ्री बिलोंग टू आर लिखेंगे, वन कॉमा थ्री बिलोंग टू आर, और अब थ्री से शुरू होने वाला पद छाँटिए उसमें, जो थ्री से शुरू हो रहा हो ऐसा कोई युग्म है उसमें रिलेशन में, तो देखो थ्री से शुरू होने वाला युग्म भी रिलेशन में नहीं है, तो ये वाला बंदा क्या हो, ये भी साइलेंट हो जाएगा, लेकिन ये नॉट बिलोंग टू नहीं बनाएगा, नॉट बिलोंग टू तब बनता है जब आखिरी वाले तक पहुँचे, और आखिरी वाले तक तो हम पहुँचे ही नहीं है अभी, यहीं से ये क्या होगा, निरस्त हो जाएगा, यानी कि ये साइलेंट हो जाएगा, ठीक है, और जब साइलेंट हो जाए और नॉट बिलोंग टू ना आए, ठीक है, तो नीचे लिखते हैं कि अतः आर समुच्चय ए में, आर समुच्चय ए में एक संक्रामक संबंध है, ठीक है दोस्तों, ये संक्रामक संबंध है। इसके बाद में हम देखते हैं कि एक अगला उदाहरण लेंगे, आपको समझाएंगे ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए, ये हो गया संक्रामक संबंध है वाला, अभी एक देखेंगे संक्रामक संबंध नहीं है वाला, ठीक है, तो ऐसा एग्जांपल हम लेंगे कि जिससे क्या आ जाए, नहीं आ जाए, तो अगला एग्जांपल नंबर टू हम देख लेते हैं कि एग्जांपल नंबर टू क्या होगा, तो
ताकि आपको पूरी तरीके से ये समझ में आ जाए। एग्जाम्पल नंबर टू हम लेते हैं, मान लेते हैं कि जो ए है हमारे पास वो क्या है, तो लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना ए बराबर 1 2 3। ये क्या है, एक समुच्चय है। ए क्या है, एक समुच्चय है, सबसेट है। और रिलेशन क्या है, 3,2 है, 2,2 है और 2,3 है। ठीक है, ये हमारा रिलेशन हो गया। अब हमें ऐसा सिद्ध करना है कि संक्रामक नहीं है। ठीक है, रिलेशन जो है वो ए का, ए के प्रति जो है नहीं है। तो लिखेंगे 3,2 बिलोंग टू आर, यानी कि पहला वाला युग्म उठाएंगे, 3,2 बिलोंग टू आर। और अब हम देखेंगे 2 से शुरू होने वाला, 2 से 2,2 मिल रहा है, तो 2,2 बिलोंग टू आर। और फिर लिखेंगे 3,2 बिलोंग टू ए, बिलोंग टू आर। ठीक है, तो हो जाएगा 3,2 बिलोंग टू आर। ठीक है, जहाँ 2 और 3 अवयव हैं ए के, ए जो है समुच्चय है, तो 2,3 बिलोंग टू ए। नेक्स्ट अगला वाला हमको क्या मिल जाएगा देख लेते हैं। तो अभी भी हम 3,2 ही लेंगे, क्योंकि 2 से शुरू होने वाला एक और पद मिल रहा है। तो यहाँ एक बार फिर से लिखेंगे 3,2 बिलोंग टू आर और 2,3 बिलोंग टू आर, 2,3 बिलोंग टू आर, अप्लाई दैट 3,3 बिलोंग टू आर। अब देखेंगे क्या 3,3 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो 3,3 रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग टू, 3,3 नॉट बिलोंग टू आर। ठीक है, जैसे ही नॉट बिलोंग टू मिलेगा, हमने कह दिया था कि वो संक्रामक नहीं होगा। जहाँ 2, 3 और 2 क्या हैं, समुच्चय हैं, अवयव हैं ए के। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या लिखेंगे हम, अतः आर समुच्चय ए में एक संक्रामक समुच्चय नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है, समझ नहीं, संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आज आपने संक्रामक संबंध के बारे में पूरी अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, और आपको उम्मीद है कि संक्रामक संबंध समझ में भी आ गया होगा। तो आप अब संक्रामक, सममित और समतुल्य तीनों एक साथ पढ़ें और इसको नोट्स बनाएं अच्छा सा। इसके बाद में अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। तब तक आप मेहनत करते रहिए और सेल्फ स्टडी भी करते रहिए और डेली चीज़ों को रिवाइज़ करते रहिए। रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे दुनिया का कोई भी टीचर आपको नहीं पढ़ा सकता। और डेली मॉर्निंग में उठकर अपना टारगेट सेट करिए और उस टारगेट को अचीव करने में अपना समय दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।